Hello students, how are you? Good morning to all of you. Let us again start unit number third. And today's topic are various topics. The first topic is dry cell, and then we will discuss about mercury cell. After that, we will discuss about corrosion and its factor as well as its prevention methods. Let us start and also one topic included in the last of the chapter that is uh, rusting. And rusting

लेकिन सेल भी इसको बोला जाता है तो इस सेल के अंदर क्या क्या होता है बच्चों देखो इस सेल के अंदर क्या है जो ऊपर का मेरा जो सिरा है इसका वो ये जो कैप होती है इसकी ऊपर वाली आप देख सकते हैं पहले इसका डायग्राम समझेंगे दिस कैप इज़ हेयर एक्टिंग एज कैथोड ये कैथोड होती है और इसके अंदर क्या है कुछ एक पोरस पेपर होता है जिसके अंदर लाइनिंग होती है लाइनिंग ठीक है और ये चिपका होता है हमारा ठीक है उसके बाद जिंक का कंटेनर है बच्चों ये जिसमें ये पैक्ड है ना जिसमें ये पैकिंग है इसकी दिस इज़ इस द कंटेनर ऑफ जिंक समय समय के साथ क्या है ये जिंक का कंटेनर ख़त्म होता जाता है डिस्ट्रॉय होता जाता है तो ये ख़त्म हो जाता है इसकी पावर ख़त्म हो जाती है ये जिंक जो है बच्चों यहाँ पर एनोड की तरह बिहेव करेगा मीन्स अगर इसका ऊपर वाला जो सिरा है वो क्या है अगर ये वाला ऊपर जो सिरा है ये क्या है अगर एनोड ए, कैथोड है तो इसका जो नीचे वाला सिरा हम उसको ये जिंक का कंटेनर है इसको हम मान लेते हैं एनोड एनोड यहाँ पे नेगेटिव है कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव है इस पूरे सेल के आइदर साइड में क्या भरा हुआ है बच्चों पेस्ट भरा हुआ है किसका पेस्ट है जिंक क्लोराइड का और जिंक इसके अंदर किसका पेस्ट है भाई जिंक क्लोराइड का और ये सॉरी जेड एन सी एल टू दो बार लिख रखे भाई एन एस फोर सी एल आएगा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ठीक कर लेना आप इसको अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल ठीक है उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर क्या है क्या क्या और चीज़ें हैं इसमें एनोड हमारा हो गया ग्रेफाइट की रोड है बच्चों बीच में जो रोड रन करती है ये ये ग्रेफाइट की रोड है और ये बेस को टच नहीं करती बिल्कुल भी ठीक है ना ये ऊपर की तरफ ही मिलेगी आपको इट इट कुड नॉट टचिंग द बेस उसके बाद देखो इसमें और भी पेस्ट भरा हुआ है जो ग्रेफाइट की आइदर साइड में है ये इस पेस्ट को हम बोलते हैं एमेनोटो और कार्बन पाउडर वो आप देखते हो ना कई बार सेल को जब तोड़ते हो तो उसके अंदर से ब्लैक ब्लैक पाउडर निकलता हो कार्बन पाउडर हमारा इसके अंदर फिल किया हुआ है ठीक है चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई तो इसको समझ लेते हैं क्या इसके अंदर ये जो ड्राई सेल है बच्चों क्या बोलोगे दिस ड्राई सेल कॉमनली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह क्लॉक घड़ी जो वाल जो वॉच होती है हमारी घड़ी दीवार घड़ी इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर इसके अंदर एक जिंक का कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल होता है विच एक्ट एज द एनोड एनोड की तरह बिहेव करेगा ग्रेफाइट की रोड है बच्चों ये वाली इसका ऊपर वाला सिरा ही हमारा कार्बन यानी कैथोड की तरह बिहेव करता है ठीक है उसके बाद जो स्पेस है बच्चों स्पेस किस किस के बीच में नोड और के थोड़ के बीच में उस तरह से पैक वो रखा है कि जिंक कंटेनर हमारा जो है इसके बेस को टच नहीं करता है याद रखना जिंक कंटेनर इज इन टच विद पेस्ट ऑफ अब ये इसके साथ टच में है जिंक का कंटेनर है जो जो इसमें पेस्ट भरा हुआ है इसके साथ टच में है वो ठीक है पेस्ट किस किस का भरा हुआ मैंने लिखा था यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है एक के एन एच फोर सी एल है यहाँ पे और एक मेरा जैडें सी एल टू है एन अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड फिल किए हुए इसके अंदर है ग्रेफाइट की रोड हमारी सराउंडेड है पाउडर्ड यानी ग्रेफाइट की रोड के चारों तरफ पाउडर पर रखा है मैंने किसका एम एनओ टू का और कार्बन पाउडर ठीक है मैगनीज ऑक्साइड बोलते हैं इसको द ग्रेफाइट रोड इज़ फिटेड विद ए मेटल कैप ग्रेफाइट की रोड के ऊपर जो मेटल कैप हमने लगाई है इस टाइप की वो क्या है उसके ऊपर मेटल कैप लगी हुई है एंड द सिलेंडर इज सील्ड एट द टॉप विद पिच पिच के साथ उसको चिपकाया हुआ है सील किया हुआ दिस सेल इज़ नॉट चार्जेबल ये चार्जेबल सेल नहीं होता है इसकी आउटपुट वोल्टेज वन पॉइंट फाइव वोल्ट की होती है ये आप याद रखना ठीक है क्लियर है ना तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें एक बार तो इतने का उसके बाद फिर इतने का स्क्रीन शॉट ले लें तो ये यह आपका यहाँ तक हो जाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अब देखो बच्चों इस सेल में क्या रिएक्शंस होंगी उनकी बात हम करेंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सेल को अगर एक्सप्लेन करते हो तो जर्नली एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है वो आपको बताना जरूरी होता है इसके अंदर तो बताओ एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा जिंक का जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो टू इलेक्ट्रॉन क्या होंगे लॉस होंगे फर्स्ट रिएक्शन होगी मेरी कंप्लीट रिएक्शन होगी चलो ठीक है लेकिन कैथोड पे रिएक्शन थोड़ी टिपिकल होगी एड कैथोड क्या होगा रिडक्शन होगा एम का और याद रखना आप याद कैसे रखोगे इसको ये ऊपर वाला तो आपको पहले भी आता है बट सेकेंड में क्या है किस तरह से याद रखोगे एम जो है ना मैगनीज है वो प्लस फोर से प्लस थ्री पे जाना जरूरी होता है प्लस फोर पर प्लस थ्री पे कैसे जाएगा बताओ एम मेनोटो जब जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा देंगे और जब एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे गेन करवाते हैं तो बनता है ए अब देखो मेरे पास क्या है प्लस फोर से मेरे को प्लस थ्री चाहिए ना तो मेरे पास ये बनेगा कंपाउंड एक एम एन ए एच और ओ क्यों ये क्यों बना है भाई हमने क्योंकि माइनस का दो चार्ज तो ऑक्सीजन पे होता है और ओ एच पे कितना होता है माइनस का वन तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ प्लस थ्री हो गई ना तो ये जरूरी होता है बच्चों इसको याद रखने के लिए तो हमने ये क्या किया एम एन ओ टू को एम एन ओ एच ओ में चेंज कर दिया अब यहाँ पे क्या है ओ एच भी आया है इसके अंदर तो जब इसके अंदर एच आएगा तो हमने क्या करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम एच कहाँ से ले सकते हैं सेल में सेल में भरा हुआ क्या है एन एच फोर सी एल ठीक है और ये भरा हुआ क्या है एन एच फोर सी एल इसके अंदर भरा हुआ है ठीक है अब क्या करेंगे हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं एन एच फोर ले लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा एन एच थ्री बन जाएगा इसके अंदर एन एच थ्री बनेगा तो ये गैस है बच्चों अमोनिया गैस ये क्या होती है अमोनिया गैस और इसकी वजह से क्या है सेल में एक्सप्लोजन हो सकता है क्योंकि सेल के अंदर जब अमोनिया गैस इकट्ठी होगी तो सेल क्या है एक तरह से स्वैल्ब कर जाएगा जिससे विस्फोट हो सकता है या फिर सेल डैमेज भी हो सकता है तो बताओ इस अमोनिया का हम क्या करेंगे थोड़ी सी देर में बताते हैं आपको इस अमोनिया को जो अमोनिया गैस बनती है तो सेल के अंदर एक्सप्लोड हो सकता है मैंने बताया आपको अभी बताया है तो इस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए जिंक जो टू प्लस है ना इसके अंदर जेडेंशियल टू भी था ना इसके अंदर तो जिंक टू प्लस आयन क्या करता है अमोनिया से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है और कॉम्प्लेक्स भी कैसा बनाता है सोल्यूबल कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है सोल्यूबल ठीक है एक कंपाउंड बना लेता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हो आप इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हो तो कुछ दिन के बाद जब ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक का तो ये क्या है ये इसका जिंक जो है ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और जब बिल्कुल जिंक खत्म हो जाता है तो सेल हमारा क्या हो जाता है डेड हो जाता उस फैक दे, फैक है उसको हम फेंक दे फेंक देते हैं ठीक है क्या रिएक्शन होती है अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो देखो जिंक टू प्लस आन एन से रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जेड एन एन एस की पावर फोर और टू प्लस ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से रिएक्शन हमारी होती है ठीक है ये एक सेल हमारा कंप्लीट हो गया मरकरी सेल की बात करते हैं बच्चों मरकरी सेल का जो दूसरा नेम और क्या है रूबन मेलो मेलोरी सेल भी इसको बोलते हैं हम ठीक है दिस सेल इज़ ए न्यूअर टाइप ऑफ ड्राई सेल एक ऐसा सेल है जो कि लो करंट प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको ईरिंग एड जो कान में लगाने वाली लीड होती है ना बच्चों लीड लगाते वहां उस लीड के अंदर भी इसको डाला जाता है छोटी सी लीड होती है बिल्कुल ईयरिंग एड या वोच जो गड़ियाँ होती हैं घड़ी में छोटा सा सेल होता है कितना साफ ने देखा होगा वो वो उसको भी फेंक दिया जाता है ना ख़त्म होने के बाद तो वो भी हमारा मरकरी सेल होता है इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर यह भी जिंक कंटेनर में होता है जिंक इसमें एनोड की तरह भी येव करता है कार्बन यहाँ पे कैथोड की तरह भी ये करता है इसमें मरकरी इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट भरा जाता है जो कि के एच के साथ मिक्स करके एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी ये करता है ए लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटेड फ्रॉम जिंक एनोड बीच में एक लाइनिंग होती है पेपर किसकी आउटपुट वोल्टेज थोड़ी सी कम होती है ड्राई सेल से वन वोल्ट होती है उसकी कितनी थी वन ठीक है इट इज़ आल्सो नॉट चार्जेबल चार्जेबल नहीं होता इस वजह से रिएक्शंस क्या क्या होती है मेन बात है अब इस एनोड पे क्या है बच्चों जिंक अमलगम होता है अमलगम मींस मीन्स मरकरी के साथ अगर मिला दें कोई भी मेटल तो उसको बोलते हैं अमलगम तो यहाँ पे जिंक अमलगम क्या करता है एनोड का, का काम करता है कैथोड का काम मरकर मर्क्यूरिक ऑक्साइड करता है प्लस में कार्बन या फिर के ओ एच जेड का पेस्ट भरा जाता है इसके अंदर ठीक है तो बताओ इस सेल के अंदर एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है ऑक्सीडेशन एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जीरो से क्या बनाएगा जिंक से क्या बनेगा जेड एनो मरकरी है ये मरकरी इसमें सोनी की जाती है तो जेड बन गया यानी जिंक से जिंक टू प्लस ऑक्सीडेशन हो गया ठीक है ना तो ये ऑक्सीडेशन हमारा होगा इसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा इसमें जिंक अमल है और जब हमारा जेड बनेगा ना बच्चों तो यहाँ पे क्या है इसको बैलेंस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे टू ओ एच आ जाएगा कहाँ से ओ एच आया के ओ एच से क्योंकि इसमें भरा हुआ सोल्यूशन है ना मेरा तो के ओ एच से ओ एच आ जाएगा हमारा यहाँ पे और जेड एन ओ और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए एच टू लगाना पड़ता है क्या लगाना पड़ता है बैलेंस करने के लिए एच टू और दो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए ठीक है एक्चुअल में ये रिएक्शन होती है इसकी ये मान लो फर्स्ट रिएक्शन है अब क्या करेंगे कैथोड पे क्या होगा एच जी ओ है एच जी ओ से एच जी लिक्विड बनेगा कैसे बनेगा देखो यहाँ देख लें आप इसकी इस रिएक्शन का कुछ उल्टा ही हमने करना होता है यहाँ पे याद रखने के लिए इसको तो क्या बन जाएगा एच जी ओ एच जी ओ से एच जी बनेगा यानी टू प्लस से जीरो पे गया टू इलेक्ट्रॉन गेन किए एच टू यहाँ पर ऐड हो जाएगा ओ एच OH यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस करने के लिए ठीक है बैलेंसिंग होती है ना एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये तो देखो इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ेंगे हम ये वाली मेरी मान लो फर्स्ट इक्वेशन आ गई ये वाली मान लो मेरी ये सेकेंड इक्विशन आ गई तो बताओ क्या होगा इसके अंदर आप जोड़ सकते हैं इसको जोड़ोगे तो ये ये बचा हुआ है जिंक जिंक एच जी ओ एच जी ओ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट एच टू से एच टू ओ कैंसिल आउट ओ एच से ओ एच कैंसिल आउट तो बचा क्या जेड एन ओ बच गया इधर की तरफ जेड एन ओ हमारा इधर की तरफ ये बच गया उसके बाद एच जी लिक्विड बच गया ये बचा हुआ है ओवरऑल रिएक्शन हो गई भई इस तरह से ये सेल हमारा काम करता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेल आप याद कर लें जो एक तो फ्यूल सेल मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में और एक लेड स्टोरेज बैटरी वही एग्जाम में पूछे जाते हैं आज का नया टॉपिक है लास्ट टॉपिक है चैप्टर का बच्चों इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर तो इसको ख़त्म करते हैं आज इस यूनिट को हम कोरोजन क्या होता है कोरोजन होता है संक्षारण धीरे धीरे हवा के द्वारा नमी के द्वारा पानी के द्वारा किसी भी धातु का धीरे धीरे ख़त्म हो जाना नष्ट हो जाना क्या कहलाता है कोरोजन ठीक है द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमोसफेरिक गैसेज ठीक है ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड और एज ऑक्साइड जब मान लो जिंक की मेरे पास मेटल है उसके ऊपर क्या है ऑक्साइड ऑक्सीजन का अटैक हुआ तो जेडनो बन गया यानी ये जिंक की जो मेटल है मान लो ये मेटल है मेरे पास इसकी सतह के ऊपर क्या है या तो ऑक्साइड बनेगा उसका या सल्फाइड बनेगा या कार्बोनेट बनेगा या सल्फेट बनेगा कुछ भी उसका एक कंपाउंड बनेगा जो इसकी क्या है इसको खत्म कर देता है इस धातु की प्रॉपर्टी को नष्ट कर देता है उसी को हम कोरोजन बोलते हैं बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर भी हो सकता है लोहे के केस में कोरोजन को क्या बोला जाता है रस्टिंग बोला जाता है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कॉपर के ऊपर हरे हरे रंग की पर चढ़ जाती है आपको पता होगा टर्निशिंग ऑफ सिल्वर और चांदी काले रंग की पड़ जाती है समय के साथ ये सारा क्या है कोरोजन है अब पा इसमें एग्जाम में, एक, में पूछा जाता है फार्मूला ऑफ रस्ट क्या है फार्मूला ऑफ रस्ट इज एफ ई टू थ्री डॉट एक्सेस टू इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड मीन्स वाटर फेरिक ऑक्साइड ये है ही ठीक है तो यहाँ पे ध्यान रखो इस चीज़ का अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कोरोजन को अफेक्ट करते हैं संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल बच्चों देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको करवाई है उस सीरीज में जो ऊपर होगा ना जो ऊपर की तरफ होगा ठीक है कैटरीना ने कार मांगी देखो ये मैंने बता था। जितने मेटल हमारे ऊपर होंगे वो ज़्यादा कोरोजन शो करेंगे क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी मेटल की होगी ना मोर इज द एक्टिव ऑफ द मेटल रियटिवली विल बी करोडिड उतनी ही जल्दी करोड होगी जैसे आयरन और कॉपर की मैं बात करूँ तो दोनों में कौन जल्दी करोड होगा आयरन जल्दी करोड होगा ठीक है ड्यू टू इस इट्स ए रिएक्टिविटी ठीक है सेकेंड देखो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इंप्योरिटी अगर जिसमें ज़्यादा होगी ना तो बेसिक सी बात है भाई क्रोजन वहाँ पे जल्दी अटैक करेगा ठीक है तो यानी प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द मेटल इन्स द चांस ऑफ क्रोजन जैसे ही जितनी असुद्धियाँ हमारी दातों के अंदर जितनी असुद्धियाँ प्रेजेंट होंगी वो क्रोजन उतना ही उस पर अटैक करेगा उतना ही क्रोडिड होगा वो इसलिए प्योर मेटल क्रोड नहीं होती अगर बच्चों प्योर मेरे पास आयरन भी है ना प्योर प्योर अगर आयरन भी है तो उस वो भी क्रोड नहीं होगा याद रखना आप उसमें इम्प्योरिटी की वजह से ही ऐसा होता है ना पता हो तो आपको चलो प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर वायु और नमी की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग और कोरोजन जितना ज़्यादा हमारा मॉइस्चर या फिर एयर होगा तो उतनी ज़्यादा कोरोजन की प्रक्रिया फास्ट होगी यदि हम लोहे को किसी वैक्यूम में रख दें वैक्यूम में रखने का मतलब है निर्वात जहाँ पे हवा भी नहीं जाती वो तह निर्वात अगर मैं लोहे को उस निर्वात में रख दूँ बिल्कुल बंद करके तो वहाँ पे लोहे पर भी जंग नहीं लगेगा क्योंकि ना तो उसको एयर मिलेगी ना मॉइस्चर मिलेगी ना गैस मिलेंगी कंपाउंड नहीं बना पाएगा ठीक है इस तरह से तो अगला जो पॉइंट है मेरा स्ट्रेन इन मेटल इसका मतलब है एक तो सीधी सी मेटल है मेरे पास देखो स्ट्रेन स्ट्रेन होता है एक मोड़ तोड़ देखो एक मेटल मेरे पास ये है मुड़ी तुड़ी है कुछ इस तरह से उसमें बैंड पड़े हुए हैं स्ट्रेच पड़े हुए हैं ठीक है तो बताओ किस मेटल को जल्दी क्रोजन होगा क्रोजन हमारा उसमें फास्ट होगा जहाँ पर बैंड या क्रैकिंग पड़ी हुई है पहले से ही क्योंकि उनको एक एरिया मिल जाता है वहाँ पर अटैक करने का ठीक है तो ये सिंपल सी बात थी यानी कोरोजन कैन टेक प्लेस रेडियली फास्टल इन बैंड स्क्रैच कट इन द मेटल्स अगर प्लेन मेटल है तो बहुत कम होगा लेकिन अगर मेटल हमारी स्क्रैच वगैरह है कट वगैरह है तो जल्दी होगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत तो अपगटों की उपस्थिति अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उस प्रक्रिया में कोरोजन जल्दी होगा है ना आयरन रस्ट फास्टर इन सेलाइन वाटर जैसे लोहे को अगर मैं नमकीन पानी में रखूँ ज़्यादातर तो जल्दी जंग लगेगा और प्योर वाटर में रखूँगा तो कम लगेगा आपने देखा ना कई बार जो हमारे ये गाड़ियाँ वगैरह वाश करते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ मीठे पानी से धोई जाती हैं है ना क्यों क्योंकि भाई नमकीन पानी है अगर खारा पानी है सलाइन वाटर है तो उसमें क्या है रस्टिंग ज़्यादा होती है जल्दी जंग लग जाएगा गाड़ी के नीचे से जो उसकी वो है बॉटम है वो गल जाएगी बिल्कुल जल्दी ठीक है ये प्रोसेस है अब देखो इसको बचाया कैसे जाए रस्टिंग प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कोरोजन से बचाव कैसे किया जाए तो फर्स्ट मेथड है बैरियर बैरियर का मतलब आप टेंथ क्लास में पढ़ के आए हो बैरियर प्रोटेक्शन या तो उस पर क्या कर दो आप मतलब ऐसा कुछ प्रक्रिया कर दो ताकि उस पर हवा और नमी का अटैक ना हो ठीक है यानी मेटल सरफेस इज नॉट अलाउड टू कॉन्टैक्ट इन कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी हवा के साथ उसको संपर्क में न आने दो जैसे मैं उसके ऊपर पेंट कर दूं पेंट क्या करेगा ये पेंट कर दिया मैंने मान लो कलर चेंज करते हैं हम चलो इस पर मान लो मैंने ये पेंट कर दिया भाई ठीक है तो ये पेंट क्या करेगा इस रेड मेटल को ना अंदर से मतलब बचाएगा क्योंकि ये खुद बलिदान देगा अपना खुद क्या है ये जब तक उतरेगा नहीं तो मेटल पर रस्ट नहीं आएगा ठीक है देख देखो पहला मेथड बाई पेंटिंग दूसरा मेथड बाई अप्लाइंग ए लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ ग्रीस एंड ऑयल ग्रीस लगाओ ऑयल लगाओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब उस पर दूसरी दाँतों की परत वगैरह चढ़ा दो या कुछ भी कर दो तो उससे रस्टिंग नहीं होगी सेकेंड मेथड है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन सेक्रीफिशियल का मतलब है बलिदान सेक्रीफाइस क्या होता है बलिदान क्या करो आप ऐसी कवरिंग कर दो जैसे मैंने क्या ले लिया ये आयरन ले लिया इस आयरन के ऊपर मैंने जिंक की परत चढ़ा दी हुई किसकी जिंक की परत तो क्या होगा जब तक जिंक यहाँ पर प्रेजेंट है तो आयरन तो का कुछ नहीं बिगड़ने वाला ना है ना तो ये खुद जब खत्म होगा ना तभी आयरन का कुछ भी. मतलब सेक्रीफाइस खुद का बलिदान देगा तो ही मेटल हमारी करोड़ होगी यानी सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कवरिंग मीन्स आयरन सरफेस विद ए लेयर ऑफ मेटल विच इज़ मोर एक्टिव देन आयरन आयरन से ज़्यादा एक्टिव मेटल चढ़ानी है बच्चों इसके ऊपर अब आप कहोगे कम चढ़ानी थी ज़्यादा चढ़ा रहे हैं क्योंकि जब तक आयरन हमारा क्या है प्रिवेंट द आयरन अनटिल इट्स डेमेज जैसे गोरो गेलवेनाइजेशन ऑफ आयरन ठीक है वो खुद अपना क्या है अटैक करेगी ऑक्सीडेशन करना है तो जिंक खुद करेगा आयरन को थोड़ी करने की ज़रूरत है तभी तो हम ज़्यादा एक्टिव मेटल की परत इस पर चढ़ा देते हैं ठीक है वो खुद पहले ख़त्म होगा फिर उसका नंबर आएगा सेकेंडली आयरन का इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन इसमें क्या करते हैं आयरन के जो ऑब्जेक्ट है बच्चों उसको हम बचाने के लिए कोरोजन से उसको एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से एक मान लो ये मेरे पास आयरन की मेटल है ठीक है क्या करूँगा मैं यहाँ पे इसको एक वायर से कनेक्ट कर दूँगा ठीक है ये आयरन है जबकि मैंने आय यहाँ पे वायर किसका ले लिया वायर मैंने ऐसी मेटल का लेना है जो इससे ज़्यादा एक्टिव है मैंने मैंने क्या किया मैग्नीशियम का ले लिया भाई ठीक है यानी ऐसी धातु का वायर हमने लगाना इसके साथ जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हो ऐसे में क्या होगा फिर देखो आप ऐसे में क्या होगा आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज कैथोड आयरन की ऑब्जेक्ट तो कैथोड का, का काम करेगी और जो हमने ये मेटल ली है ज़्यादा रिएक्टिव प्रोटेक्टिंग मेटल वो एनोड का, का काम करेगी एनोड पे ग्रेजुअली ऑक्सीडेशन होगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल क्या करेगी आयन प्रोड्यूस करेगी ठीक है तो उसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे इस वायर के थ्रू ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वायर के अंदर से ये क्या है इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे इस तरह से जब ट्रांसफर होंगे तो एच प्लस आयन हमारे मेटल के चारों तरफ बचेंगे ठीक है जो कि रस्टिंग से इसको बचाएंगे आप पेच प्लस आयन बचेंगे जिससे रस्टिंग से इसको बचाएंगे इस मेथड में क्या है कैथोड हमने आयरन का लिया इसलिए इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन बोला जाता है कैथोड ने ही तो बचाया है ये देखो ये कैथोड है इसलिए इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन बोला जाता है लास्ट मेथड बच्चों हमारा है देखो उसके बाद यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं कुछ सोल्यूशन बनाने होते हैं एलकेलाइन फोस्फेट एक तो एक एल्केलाइन क्रोमेट सोल्यूशन आप जो भी मेटल वगैरह एल्केलेटी इसको क्या है बचा के रखती है हाइड्रोजन आयन की वजह से ही बचता है वो भी इसलिए कार रेडिएटर में ना ये डाले जाते हैं ताकि कार रेडिएटर में इंजन जो अंदर से वो रस्ट ना पकड़े ठीक है अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं हम साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग इसमें बस रिएक्शन याद रखियो रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट का फार्मूला मैं बता चुका हूँ एफ फिट वो थ्री डॉट एक्सेस टू वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी रस्टिंग में देखो ये मेरे पास क्या है मान लो ये एक आयरन है ठीक है लोहे का कोई पार्ट है कोई भी लोहे की चीज़ है इस पर क्या है इसका जो ऊपर का पार्ट है ना बच्चों ये मान लो मैंने पेंट कर दिया और इसके ऊपर से पेंट उतर गया ये उतर गया पेंट तो यहाँ पे जो आयरन है वो मेरा एनोड की तरफ बिहेव करेगा बाकी का जो पार्ट है इसका वो कैथोड की तरफ बिहेव करेगा है ना और एनोड पे आपको पता ही है ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो इसमें होगा क्या देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो एफ ई टू प्लस से एफ ई एफ ई से एफ ई टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड पे रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन मान लो इसको ठीक है कैथोड पे थोड़ा सा टिपिकल होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे अब कैथोड पे क्या है यहाँ पे वाटर है हमारे पास इन्वायरमेंट में जब वाटर है तो सी ओ टू भी तो है और ऑक्सीजन भी है जब वाटर और सी ओ टू रिएक्शन करेंगे तो एक एसिड बनेगा जिसको कार्बोनिक एसिड बोला जाता है और ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो क्या बनाएगा एच प्लस और सी ओ टू सी ओ थ्री टू माइनस यानी हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं दो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर बने थे ये ये कंज्यूम कर लिए जाते हैं एच प्लस आइन से क्योंकि टू ही एच प्लस आयन है और टू ही इलेक्ट्रॉन है कैंसिल आउट हो जाएंगे कंज्यूम हो जाएंगे इससे क्या होगा हाइड्रोजन आयन जो हमारा है हाइड्रोजन आयन वही बचेगा हाइड्रोजन आयन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा तो एच बना देगा एच एटम ठीक है अब एच एटम अकेला रह नहीं सकता इस वजह से क्या है ऑक्सीजन हवा में है जो वो बनाएगी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगी है ना तो आप क्या करोगे कैथोड पे रिएक्शन पूरी करोगे पहले कैथोड पे ये पूरी रिएक्शन हुई मेरे पास यानी यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना चार इलेक्ट्रॉन का लेन देन था वो यहाँ पे फोर हो गए थे फोर एच प्लस आइन तो मैं इसी फोर से मल्टीप्लाई कर लूँगा और ये वाली रिएक्शन इसको भी फोर से मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ पे ये तो है ही अपनी दूसरी इक्वेशन तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैथोड पे रिएक्शन बन गई भाई पूरी की पूरी रिएक्शन मेरी कैथोड की ठीक है अब एनोड की रिएक्शन मेरे पास ये थी है ना कैथोड की रिएक्शन मेरे पास ये दोनों को जोड़ूंगा तो मैं रस्टिंग की रिएक्शन आ गई हमारी ठीक है इस रिएक्शन के कारण रस्ट हमारा होता है ठीक है और एच प्लस आयन के कारण ही वो बच जाता है फिर तो एफ ई एफ ई टू ओ थ्री प्लस एक्स एच टू ओ जिससे क्या बन जाएगा एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ रस्ट बन गया एनोड पे कैथोड पे यानी ये हमारा जो रस्ट है वो कैसा है ब्राउन रस्ट कैसा रस्ट है ब्राउन रस्ट लेकिन क्या है कई बार क्या होता है जो एफ यू टू प्लस आयन है वो ओ OH एच के साथ रिएक्शन करके बना लेता है एफ यू एच टाइस इसको अगर एक्सेस ऑक्सीजन में रिएक्शन करवा दें तो ये बनेगा एफ यू एच थ्राइस ये येलो रस्ट होता है बच्चों कैसा रस्ट है येलो रस्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं वाही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इन वाटर इंक्रीज द रस्ट रेट ऑफ रस्टिंग पानी में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज रस्टिंग को क्यों बढ़ावा देती है अभी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व करवाओगे तो इससे हाइड्रोजन आयन बनेंगे जो कि क्या करेंगे फ़ेरस आयन का ऑक्सी क्या करेंगे फेरस आयन को का ऑक्सीडेशन करके फेरिक आयन बनाएंगे इस तरह से रस्ट फॉर्मेट होगा ये था हमारा यूनिट नंबर थर्ड और ये यूनिट कंप्लीट हो गई है किसी को नोट्स की ज़रूरत है पूरे के पूरा सेट तो आप कॉल कर सकते हैं ठीक है ये इस नंबर पे कॉल करें आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक है और ये चैप्टर कंप्लीट करें इसका टेस्ट भी आपके लिए बनाया जाएगा कुछ समय के बाद ठीक है थैंक्स हैव ए नाइस डे